चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और आगामी चुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने जहां कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी तो वहीं मौजूदा सरकार को भी जमकर घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा इस वक्त मेरे साथ हैं। हरियाणा में जो राजनीतिक हलचल है वो अब बढ़ चुकी है, चूंकि विधानसभा के चुनाव जो है वो करीब 3 महीने बाद होने हैं। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर रखी है। इसी बीच कांग्रेस हरियाणा में किस तरीके से आने वाले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम कर रही है, इस पर बातचीत अरोड़ा साहब से करेंगे। सर, कांग्रेस ने अगस्त के महीने के कार्यक्रम जारी किए हैं, एक तरीके से 15 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक के कार्यक्रम जारी हुए हैं, किस तरीके से लोगों के बीच किन किन कार्यक्रमों को लेकर जा रहे हैं सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और लोग भी बदलाव चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों यहाँ पर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 सवाल सरकार से पूछे कि ये काम क्यों नहीं हुए, जनता ऐसा मांग रही है। जैसे इतनी बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, इतना अपराध, इतना नशा इस प्रकार से बढ़ रहा है, आप महंगाई बढ़ रही है, तो ये सभी प्रोग्राम लेकर हरियाणा मांगे हिसाब। हमारे लोकसभा सदस्य जहाँ गांव शहर के अंदर मार्च कर रहे हैं, वहीं पूरी हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी के वरिष्ठ साथी घर घर जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि इस 9.5 साल में इनकी ये विफलताएं हैं। और इसके साथ साथ पार्टी में हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उदयपान जी और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से भाग लिया, जहां उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उसके साथ साथ हर वर्ग की भागीदारी हो, हर वर्ग का चुनावी घोषणा पत्र के अंदर ध्यान रखा जाए, इस प्रकार से सम्मेलन आयोजन करके उनकी जानकारी लेनी शुरू करी है। जिस प्रकार से 10 अगस्त को कुरुक्षेत्र में एससी समाज का सम्मेलन है, दक्ष प्रजापति कुमार बरादरी के लोग जो हैं उनका सम्मेलन हो रहा है, बैकवर्ड सम्मेलन सोनीपत में हो रहा है, पंजाबी समाज की तरफ से भी सम्मेलन 18 अगस्त को करनाल में बुलाया गया है, इस प्रकार से एक्स सर्विसमैन का है। तो अलग अलग वर्ग से बातचीत करके कि उनकी क्या दिक्कत है और सरकार आने पे उसको कैसे हल किया जाए, उनकी जानकारी लेके अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि ये जो घोषणा पत्र तैयार हो रहा है ये ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं, ये पब्लिक का घोषणा पत्र हो, इसके ऊपर पूरी तरह से काम हो रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिसाब दे कार्यक्रम कांग्रेस ने हरियाणा में चलाया है और उसके तहत आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी से हिसाब मत मांगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी ये हिसाब दे कि 10 साल में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो CLU घोटाले हुए, तमाम तरह के जो बेकायदगियां की गई, लोगों की जमीनें जो है उनका अधिग्रहण जिस तरीके से उनकी मर्जी के खिलाफ जाके हुआ, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कांग्रेस पार्टी जवाब दे, ये अमित शाह ने भी कहा, उसके बाद हरियाणा भाजपा के तमाम नेता भी ये बात कह रहे हैं। सर देखिए, प्रजातंत्र में हिसाब मांगना सबका अधिकार है। अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश के अंदर आए, मैंने भी सुना कि हुड्डा साहब हम तो हिसाब देने आए हैं, परंतु वो ये बताएं कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। हुड्डा साहब की जिस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार थी, आपको ये देखो कितने थर्मल प्लांट लगे, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितनी मेट्रो आगे बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा प्रदेश आगे गया, बच्चों को रोजगार यहाँ पर मिला, बाहर से निवेश हरियाणा प्रदेश में अंदर आया, परंतु इस 10 साल में क्या हुआ। आज हरियाणा प्रदेश की ऐसी हालत हो गई है कि हरियाणा प्रदेश का बच्चा रोजगार ना मिलने की वजह से नशे की तरफ गया, अपराध की तरफ गया, और तो और डोंकी में आज बाहर जाने पे मजबूर है, कई लड़के रास्ते में बेचारों की जान चली जाती है। ये हालात हरियाणा प्रदेश में इन लोगों ने किए हैं। जनता हिसाब मांगना चाहती है, जनता ने इनको एक आईना लोकसभा चुनाव में दिखाया भी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में मत हुआ है वो एक रिकॉर्ड मत हुआ है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे भी ज़्यादा लोग तैयार बैठे हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बने। सरकार ने कुछ फैसले भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बदले हैं, सरपंचों के जो वित्तीय अधिकार हैं उनकी बात कर लीजिए, परिवार पहचान पत्र में जो त्रुटियां थी उनको ठीक करने के लिए कुछ जो वो नियम बदले गए हैं, तो ऐसे कई फैसले हैं सरकार ने, क्रीमी लेयर का जो मामला है उसकी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई है, तो कई फैसले जो है वो बदले भी हैं।
सरकार ने स्वयं माना कि जो पिछली मनोहर लाल की सरकार थी उसके फैसले गलत थे। हरियाणा प्रदेश की जनता चीख चीख के कह रही थी कि हरियाणा प्रदेश के हर वर्ग को डंडे से पीटा जा रहा है। सरपंच गए तो डंडे से पीटे, सरपंच कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं मांग रहे थे, जो उनके अधिकारों पे प्रतिबंध लगाया था वो कह रहे थे कि ये गलत है, हम चुनी हुई सरकार है, गांव के अंदर जो पैसा खर्च होगा वो पंचायत करेगी, ना कि सरकार की पाबंदियों से होगा। इन्होंने पाबंदियां लगाई और लोकसभा चुनाव में लोगों ने इनको हार दिखाई तो अब वो पाबंदियां वापस ली। कोई नई चीज तो नहीं सरपंच को दी, जो थी पहले इन्होंने ही बंद करी, इन्होंने ही लागू की, इन्होंने ही क्रीमी लेयर आठ से घटा के 6 लाख की, और अब जब हार दिख रही है अब 6 से 8 करने जा रहे हैं। इसी प्रकार फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी पे हरियाणा प्रदेश की जनता इतनी परेशान हुई कि कंपनियों की गलती और खमीजा भुगतना पड़ा हरियाणा प्रदेश की जनता का, ना केवल उनका टाइम खराब हुआ। इसके साथ साथ जब ठीक कराने के लिए गए तो मोटी रिश्वत लोगों को देनी पड़ी, तो इनका फैसला गलत था, अब ये उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। एनडीसी के नाम पे लोगों को लूटा गया, आज उनको ठीक करने की बात कर रहे हैं। अपने यहाँ हरियाणा में कहावत है, जब मौत सिर पर दिखे ना राम नजर आवे, आज इनको चुनाव में हार दिख रही है, इसलिए अपने ही फैसले वापस ले रहे हैं। परंतु मैं कहता हूँ कि पिछली सरकार की गलतियां जो थी, एक तो मनोहर लाल जी को माफी मांगनी चाहिए, पूरी सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि हमने पब्लिक पे डंडे बरसाए, हमने पब्लिक को परेशान किया, हमने पब्लिक की जेब से पैसे निकलवाए, हम गलत थे, माफी मांगनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि जब उनको बदला है उनकी गलती थी तो फिर उनको पार्टी में भी नहीं रखना चाहिए, कि ऐसे लोग जो पब्लिक में तंग करते हैं उनको पार्टी से भी निकाल देना चाहिए। ये बात तो आपकी पार्टी के लिए बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस कहीं नहीं है, एक परिवार का कब्जा कांग्रेस पे हो गया है, पिता पुत्र जो है वो कांग्रेस को चला रहे हैं, ये आरोप जो वो लगाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है हरियाणा में, कांग्रेस तो धड़ों में बंटी हुई है और कांग्रेस में केवल पिता पुत्र जो है वो कांग्रेस चला रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं सर। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान का जो भी प्रोग्राम आता है सारी पार्टी के लोग मिलके कहते हैं, और जो लोग हम पे रोप लगाते हैं आज उनकी हालत यह है कि आज उनकी पार्टी के जितने भी सीनियर लोग थे आज उनको खुडे लाइन लगा दिया गया। आज पार्टी में केवल एक व्यक्ति है मनोहर लाल, सरकार में केवल एक व्यक्ति है मनोहर लाल, बाकी तो खड़ा हुआ है। मान के चलते हैं सर, आपकी जो लोकसभा के चुनाव का जो नतीजा आया है, 5-5 सीटें मिली है कांग्रेस और भाजपा को, तो ऐसे में आप ये मानते हैं कि 2024 के विधानसभा के चुनाव में इन लोकसभा के नतीजों का असर होगा और कांग्रेस की वापसी होगी? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया इस सरकार को बदलने का। लोकसभा के अंदर जो नतीजे आए, आपको याद बता दूं 2019 में हम 10 के 10 लोकसभा आ रहे थे और 79 विधानसभा सीटों पे बीजेपी जीतती थी, अब की बार 79 से घटके ये 44 पे पहुंची है और कांग्रेस 10 से 46 पे पहुंची है, और विधानसभा में ये 46 का जो आंकड़ा है ये 70 तक जाएगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है, खासतौर पर उनका ये दावा है कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं उन नतीजों का जो आंकड़ा है उस आंकड़े से साफ है कि लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।